सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू राधे नेट। गाइस, हम करने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल एडिशन। गाइस, नवरात्रि आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस, चलिए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने अपने बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया है। हम सिंपली ऐड फोटो पर जाएंगे और अपने मॉडल को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद से हम इसे कटआउट टूल का इस्तेमाल करके इरेज कर लेंगे इसे बैकग्राउंड को। तो हम सिंपली इसके चारों तरफ आउटलाइन खींच लेंगे। तो हम इसको इसे चारों तरफ आउटलाइन खींच लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा फोटो एकदम परफेक्टली इरेज हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इरेज कर लिया है यहाँ पर। तो हम सिंपली इसे अपने लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे देखिए अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे पहले, उसके बाद हम इसे डन कर लेंगे। फिर हम एड फोटो पर जाएंगे और ये तिलक का पीएनजी लेंगे और सिंपली हम इसे अपने हेड के बीच में एडजस्ट कर लेंगे। तो हम एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए, हमारा ये एडजस्ट हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, सिंपली इस ब्लेंडिंग में जाएंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड हम मल्टीप्लाई रख लेंगे। तो देखिए, हमारा मल्टीप्लाई एकदम जल लग रहा है, जैसे कि ये पहले से ही हो। तो डन कर लेंगे। फिर उसके बाद से हम एड फोटो पर जाएंगे और ये दो पीएनजी लेंगे। उसके बाद से हम इस टेक्स्ट पीएनजी को हम सिंपली अपने राइट साइड में एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद से इस वाले पीएनजी को हम सिंपली अपने शोल्डर के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद से हम इसमें इसकी ओपेसिटी को हम कम कर लेंगे और उसके बाद से हम इरेजर का इस्तेमाल करके इसे हम अपने हाथों के ऊपर से इरेज कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम इरेज कर लेंगे, कुछ ऐसे इरेज करेंगे जैसे लगे एकदम ये रियल है। तो हम इरेज कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने परफेक्टली इरेज कर लिया है। तो सिंपली हम इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज कर देंगे। तो देखिए, अब एकदम ये रियल लग रहा है, जैसे हमारे कंधे पर पहले से हो। तो सिंपली शट डाउन कर लेंगे। उसके बाद से हम ऐड फोटो पर जाएंगे। ऐड फोटो पर जाने के बाद ये ब्लर वाली पीएनजी लेगा और सिंपली हमें अपने इसे नीचे में एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो देखिए, हमारा ये एडजस्ट हो गया है। तो हम इसे अब सिंपली डन कर लेंगे। उसके बाद से हम अपना ड्रॉ टूल में जाएंगे और हम अपने ड्रॉ टूल में जाकर हम फोटो को सेव कर लेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी फोटो को लाइट रूम में ऐड कर लिया है। हम सिंपली यहाँ पर अपने फोटो पर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा रिलोड ले रहा है। उसके बाद से हम सिंपली इसमें ब्राइटनेस वाले जो बटन दिख रहा है, फर्स्ट बटन, इस पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद से हम इसमें ऑटो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से हम इसमें हाईलाइट्स को फुल माइनस कर देंगे और एक्सपोजर को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और शैडो को 50 पर रख लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे इस कलर करेक्शन करेंगे। इसमें हम टेम्परेचर को 10 रख लेंगे, टिंट को -6 रख लेते हैं और वाइब्रेंस को 12, और इसमें हम सेचुरेशन को -5 या 7 रख लेते हैं। मिक्स में हम चलेंगे, इसमें हम सारे कलर का ह्यू फुल माइनस कर लेंगे। हम बस येल्लो वाले में हम इसका ह्यू 80% रखेंगे। उसके बाद से हम इसमें सेचुरेशन 50% रखेंगे। उसके बाद से हम इसमें हम लूमिनस को हम इसमें 30% रखेंगे। उसके बाद चलेंगे अपने ऑरेंज कलर में, इसमें हम सेचुरेशन को 6 रख लेंगे और लूमिनस को हम इसमें 10 के आसपास रख लेते हैं। इसके बाद से हम इसे डन कर लेंगे। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, इसमें हम क्लियरिटी को 25 रख लेंगे और विग्नेट को हम इसमें रख लेंगे 10 के आसपास। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट ऑप्शन पे अपने, इसमें हम शार्पनिंग को रख लेंगे 15 रख लेंगे और नॉइस रिडक्शन को हम इसमें 19 रख लेंगे। तो गाइस देखिए, हमारी फोटो एकदम कंप्लीट हो चुकी है। देखिए गाइस, पहले कैसे दिखती थी और अब कैसे दिखती है। तो गाइस देखिए, गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।